दुनिया में आज देखिए यमन की लड़ाई की कीमत चुकाते बच्चे। यमन की एक कैंसर पीड़ित बच्ची की दास्तां, कैसे जंग और बीमारी को हराकर नन्ही युसरा बनी मजबूत इरादों की मिसाल। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है, मैं हूं विदित मेहरा। यमन की इस छोटी बच्ची के हौसले की कहानी के अलावा कार्यक्रम में आज चुनावी माहौल में रोजगार के आंकड़ों पर गरमाई सियासत, सच जानने के लिए बीबीसी की टीम पहुंची महाराष्ट्र के नांदेड़। वैज्ञानिकों का दावा, फेफड़े ही नहीं दिल और दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है प्रदूषण, बच्चों को खतरा ज्यादा। और दिल में छेद और दूसरी शारीरिक परेशानियों के बावजूद चीयरलीडिंग से लोगों का दिल जीतने वाली लड़की। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आज बीबीसी दुनिया में। बुलेटिन की शुरुआत यमन की एक कैंसर पीड़ित बच्ची की दास्तां से। 5 सालों से जारी लड़ाई की सबसे भारी कीमत यमन के बच्चों को चुकानी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हर 10 मिनट में उन वजहों से मौत हो रही है जिन्हें रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि यमन उन देशों में शामिल है जहां पिछले साल भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे। युसरा भी उन बच्चों में से हैं जिन्हें जंग की वजह से यमन में अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा था। अब युसरा किस हाल में है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जिसकी कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पार्क में खेलने का वक्त और झूले का लुत्फ उठाती नन्ही युसरा। यहाँ जॉर्डन में यमन की भयानक जंग से दूर युसरा कैंसर का इलाज करा रही है। पिछले अक्टूबर में जब हम उससे मिले तो वो कुछ ऐसी हालत में थी। वो अपने परिवार के साथ यमन की राजधानी सना में फंसी थी। युसरा की आंख में ट्यूमर की वजह से उसकी जिंदगी को खतरा था। बीबीसी में तब उसकी कहानी आने के बाद कई संस्थाओं ने युसरा को जॉर्डन लाने की मुहिम छेड़ दी। युसरा के लिए कई लोग चंदा दे रहे हैं। अब उसका वहां के किंग हुसैन कैंसर सेंटर में इलाज चल रहा है। उसकी माँ हयात हर पल उसके साथ है। 2 सप्ताह पहले युसरा का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। अब वो यहाँ चेकअप के लिए आई है। ये एक नॉर्मल आंख है और ये असामान्य आंख, और ये ट्यूमर है। ट्यूमर इतना बड़ा था कि उसकी आंख ही निकालनी पड़ी। अगर युसरा को कुछ महीने पहले यमन से निकाल लिया गया होता तो शायद उसकी स्थिति बेहतर होती। अफसोस है कि लड़ाई की वजह से उसे वक्त रहते इलाज नहीं मिला और हम उसकी आंख नहीं बचा सके। काश वो मेरे पास पहले आ पाती तो मैं उसकी आंख भी बचा लेता। युसरा जब पेपर पर ड्राइंग बनाती है तो उसमें उसके संघर्ष की झलक साफ दिखती है। देखिए उसने कैसे पेपर पर अपना चेहरा उकेरा है। डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर उसके शरीर में फैलने से रोक दिया गया है और उसकी हालत सुधर रही है। यमन की इस बच्ची को जीने का एक और मौका मिला। मैं इसकी रिकवरी से खुश हूँ। इसका इलाज अच्छे से चल रहा है। मुझे लगता है इस नन्ही बच्ची को नया जन्म मिला है। जंग और कैंसर को मात देने वाली ये बच्ची मजबूती की मिसाल बन गई है। युसरा अपनी माँ से गुजारिश कर रही है कि उसे वापस स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। और अगर वक्त पर इलाज मिल पाता तो शायद बच जाती युसरा की आंख। इस लोकसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज हमारी खास चुनाव सीरीज में बात इसी मुद्दे की। मोदी सरकार ने 2014 में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और सरकार का दावा भी है कि पिछले 5 साल में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हुआ। लेकिन कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार में करीब 5 करोड़ नौकरियां खत्म हुई। बीबीसी संवाददाता जानवी मूले गोदावरी के तट पर बसे नांदेड़ शहर पहुंची और वहां रोजगार के हालात का जायजा लिया।
चंद्रकांत गजभारे के पास समाजशास्त्र में एमए की डिग्री है। वो नेट कर चुके हैं और पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, इसलिए वो नांदेड़ में हर दोपहर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। जगण्याचा एकमेव आधार आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीयांचा किंवा दारिद्र्य। शिक्षा ही हम जैसे लोगों का एकमात्र सहारा है, इसलिए मैंने पढ़ाई की, लेकिन उससे जुड़ी कोई नौकरी नहीं मिली, तो दूसरे शहर में जाकर किसी कंपनी या होटल में काम करने के बजाय मैंने अपने ही शहर में कुछ काम करना तय किया। चंद्रकांत मानते हैं कि कोई पेशा ऊंचा या नीचा नहीं होता। ऑटो चलाते हुए भी उनकी पढ़ाई और नौकरी की तलाश जारी है। शिक्षा के बावजूद बेरोजगारी का दंश झेलने वाले चंद्रकांत अकेले नहीं है। नांदेड़ की सड़कों पर एक बार घूम जाने पर बेरोजगारी के स्तर का पता चल जाता है। रिजर्वेशन एक भ्रम है कि आरक्षण से नौकरी मिलती है, आरक्षण के बाद भी बहुत मेहनत की जरूरत होती है। हम गांव छोड़ने की सोचते हैं तो परिवार का दबाव रहता है, लड़कियों को दूसरे शहर नहीं भेजा जाता। प्राइवेट सेक्टर में गेल्यानंतर निजी कंपनियों में हमसे अनुभव पूछा जाता है, अनुभव के बिना नौकरी नहीं मिलती। नांदेड़ में आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के महिला पुरुषों को नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गोदावरी के तट पर बसा नांदेड़ शहर शिक्षा का भी केंद्र है, लेकिन यहाँ पर उच्च शिक्षित युवाओं को नौकरी की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ पानी, जगह और यातायात की सारी सुविधाएं होने के बावजूद नांदेड़ में कोई बड़ा उद्योग नहीं बस रहा। कनेक्टिविटी चांगली है, हमारे पास अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन वो उद्योगों के लिए फायदेमंद नहीं है। यहाँ सर्विस इंडस्ट्री फल फूल रही है, लेकिन वो काफी नहीं है। उद्योगों को कुशल कामगारों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है। उद्योगों के मानक के हिसाब से लोगों का स्तर ठीक नहीं है। लोगों को अफसोस है कि नौकरियां नहीं है, काम मिलत नहीं, लोगों की खंता है। ये सिर्फ नांदेड़ की कहानी नहीं है, भारत के कई शहरों में यही स्थिति है। भारत नौजवानों का देश है, लेकिन आशंका है कि कहीं बेरोजगारी नौजवानों की इस फौज को व्यर्थ न कर दे। भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक 2015-16 में बेरोजगारी दर 3.7% थी। अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड का दावा है कि नेशनल सैंपल सर्वे दफ्तर के मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी दर बढ़कर 6.1% हो गई। सरकार का थिंक टैंक कहा जाने वाला नीति आयोग इन दावों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन सरकार ने अब तक बेरोजगारी का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। चुनाव पर हमारी यह खास सीरीज आगे भी जारी रहेगी, और अब बात चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव की, जो और गहराता जा रहा है। चीन ने कहा है कि वो दोनों देशों को बांटने वाली मध्यान रेखा के करीब अपनी सैनिक गतिविधियां तेज करेगा। चीन के मुताबिक उसने ये कदम अमेरिका और ताइवान के भड़काऊ कदमों के बाद उठाए हैं। उधर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि अगर कोई विमान उस रेखा के ऊपर उड़ान भरने की कोशिश करता है तो उसे भगा दिया जाए। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज ग्लोबल राउंडअप में देखिए कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन केस में क्या आदेश दिया कोर्ट ने, और कहां टूटता हुआ ग्लेशियर कैमरे में हुआ कैद। इस चुनाव में रोजगार और किसान तो बड़े मुद्दे हैं ही, लेकिन एक मुद्दा पाकिस्तान भी है जो सियासत के केंद्र में आ गया है। हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश इसे कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। और बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल की बीमारी से जूझती लेकिन बुलंद हौसले वाली एक लड़की की कहानी। और बच्चों के लिए क्यों ज्यादा खतरनाक है प्रदूषण। बीबीसी दुनिया में अभी भी यह बहुत कुछ बाकी, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। हम जितना सोचते हैं प्रदूषण उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। अब तक समझा जाता था कि प्रदूषण की वजह से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन अब शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रदूषण हमारे दिल और दिमाग पर भी बहुत बुरा असर डालता है और बच्चों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। देखिए ये रिपोर्ट। वायु प्रदूषण जानने के लिए हमने एक स्कूल के बाहर हीट कैमरा लगाया। वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्होंने जितना सोचा था ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस जगह गाड़ी का एग्जॉस्ट सबसे ज्यादा गर्म होने की वजह से अलग दिखता है। इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होता है, क्योंकि उनकी ऊंचाई कम होने की वजह से वो सड़क के ज्यादा नजदीक होते हैं। And this is the equipment that you'll be using to monitor air pollution and how clean or dirty the air that you're breathing over that week is. ज्यादा जानने के लिए शोधकर्ता बच्चों को पॉल्यूशन मॉनिटर्स देते हैं। इनमें ऐसे उपकरण लगे हैं जो कि हवा की क्वालिटी का पता लगाएंगे। बच्चों को भी पता है कि उनके लिए वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है। Air pollution can go through your lungs and make you feel sick and you can like maybe go to the hospital. You can't tell it because it's invisible. But air pollution basically it's dirty air, so it can cause asthma and it can like make you really ill. वायु प्रदूषण का पहला प्रहार सांस की नली और फेफड़ों पर होता है, जिससे सूजन हो सकती है, अस्थमा हो सकता है और फेफड़ों का कैंसर भी। और फिर फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे कण खून में मिल जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। खून का बहना रुक सकता है, जिससे हृदय रोग और पक्षाघात भी हो सकता है। प्रदूषण दिमाग तक पहुंच सकता है और इससे डिमेंशिया हो सकता है या नहीं, इस पर शोध किया जा रहा है, पर सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की है। अब हम ये जानते हैं कि ये हमारे श्वसन तंत्र को ही नहीं बल्कि हमारे हृदय, आपके दिमाग और शरीर के सभी अंगों के विकसित होने पर भी असर डालता है। शरीर पर वायु प्रदूषण के असर को अब हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। पहले के मुकाबले अब हमें इससे जल्द से जल्द निपटना होगा। एक गर्म एग्जॉस्ट पाइप से प्रदूषण निकलता हुआ। अगले हफ्ते से लंदन में सफाई अभियान के तहत शहर में दाखिल होकर गंदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी सख्ती जरूरी है। तो बच्चों को प्रदूषण से कैसे बचाएं, इस बारे में सोचने की जरूरत। और एक लड़की जो दिल की गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद नर्स और चीयर लीडर बनने की तमन्ना रखती है और इसके लिए ट्रेनिंग भी ले रही है, 19 साल की हॉली के दिल में छेद है। उन्हें 2 बार स्ट्रोक भी आ चुका है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वो अपने सपने साकार करने की पूरी कोशिश कर रही है। I could be permanently paralyzed, I could end up in a wheelchair, or I could potentially die from it. It is very scary. A PFO is a hole in the heart between the two chambers. It's meant to shut when you're a baby, but 25% of the population it doesn't shut for, and most people don't have any symptoms with it. They will never know that they have the hole. I've had 2 TIAs, which are called mini strokes. I was worried about my speech changing. I was worried about not being able to use my body. So you just feel like half of you has been taken away from you. It's very frustrating. All you want to do is get back to your teammates. Holly is a very hard-working athlete. She's extremely dedicated. She is a fantastic flyer. Really excited, bit nervous that it's coming really, really fast now. It's just amazing because you feel like nothing's stopping you. तो गंभीर बीमारी के बावजूद जिंदगी का लुत्फ उठाती हॉली। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक महिला ने कैसे बचाया बियर कैन में फंसे सांप को। तो आगे मिलते हैं ग्लोबल राउंडअप।
बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है, मैं हूं अदित मेहरा और अब वक्त है बीबीसी ग्लोबल राउंडअप का। और पहली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में दो हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के मामले की जांच के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 सदस्यीय आयोग बनाया है। ये आयोग लड़कियों की उम्र जांचेगा और पता लगाएगा कि क्या जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया गया। उधर हिंदू सांसदों ने लड़कियों के वकील की ओर से पेश उस मेडिकल रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें बालिग बताया गया था। हमें तो हैरत हुई, हमें इधर आकर पता चला कि कोई उन्होंने एज आइडेंटिफाई कर दी है। हालांकि पेरेंट्स ने, हमने कल खुद एप्लीकेशन दे रखी हाई कोर्ट में कि इसकी एज डिटरमाइन हो। स्मार्टफोन मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप ने भारत में फेक न्यूज से निपटने के लिए एक हॉटलाइन शुरू की है। इसके जरिए लोग संदिग्ध संदेशों को वेरिफिकेशन के लिए भेजकर ये पता कर सकेंगे कि वो सूचना सही है, गलत है, भ्रामक है या विवादित है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे की अगुवाई में ब्रिटानी कैबिनेट की एक लंबी बैठक चल रही है। इससे पहले सांसद ब्रेग्जिट समझौते के किसी विकल्प पर सहमति बना पाने में विफल रहे थे। सोमवार रात सांसदों ने सभी उपलब्ध 4 विकल्पों को खारिज कर दिया। यूरोपीय संघ के मुख्य वार्ताकार मिशेल बार्नियर ने कहा कि अब नो डील के आसार ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। पश्चिमी ईरान के कई हिस्से 2 हफ्तों से भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। कई इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों को उतारा गया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से दिक्कत आ रही है। पौल दो खतार और मामूलान जैसे शहरों के कुछ हिस्से पूरी तरह जलमग्न हैं। लोगों ने छतों पर शरण ली है। बीते 2 हफ्तों में कम से कम 45 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा खबरों में है ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सीप्रास, जो 1991 में उत्तरी मैसेडोनिया के अलग होने के बाद वहां की यात्रा पर जाने वाले पहले ग्रीक प्रधानमंत्री बन गए हैं। बीते साल उन्होंने उत्तरी मैसेडोनिया के अपने समकक्ष जोरान जाएव के साथ मिलकर देश के नाम पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए एक समझौता किया था। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बियर कैन में फंसे सांप को बचाती महिला का ये वीडियो वायरल हो गया है। महिला का नाम रोजा फॉन्ड है और वो इंसानों और जानवरों की मदद के लिए एक संस्था चलाती हैं। उन्होंने एक डंडे की मदद से सांप को बचा लिया। और आइसलैंड में ग्लेशियर का एक हिस्सा इस तरह टूटकर गिर गया, इससे एक ऊंची लहर पैदा हुई जो तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगी। किनारे पर कई सैलानी मौजूद थे, जब उन्होंने लहर को देखा तो जान बचाने के लिए वहां से भागे। सभी लोग समय रहते वहां से बच निकलने में कामयाब रहे। इस घटना में किसी के भी जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कार्यक्रम को लेकर किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcvidit। हमें दीजिए इजाजत।